हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चकदेवेद नॉलेज। चकदेवेद नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं BEFI यानी कि बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के सर्कुलर डेटेड 8 मार्च 2022 की, और ये रिलेटेड है जनरल स्ट्राइक जो दो दिन की है 28 और 29 मार्च 2022 को। ये किन मुद्दों पर ये स्ट्राइक है, ये सारा कुछ इसमें दिया गया है, तो इसका हम आपको पूरा डिटेल आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं दोस्तों, चकदेवेद नॉलेज बैंकर्स का चैनल है, पेंशनर्स का चैनल है। हम टाइम टाइम पर आप सभी बैंकर्स और पेंशनर्स के मुद्दों को उठाते रहते हैं। इसके अलावा बैंक से रिलेटेड, बैंकर्स से रिलेटेड और एक्स स्टाफ से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है उसको लाके सबसे पहले आपको देते हैं और ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। तो अपने खुद के चैनल यानी कि चकदेवेद नॉलेज को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब एक बार फिर से हम वापस आते हैं आज के वीडियो पर। तो आज के वीडियो का आप डेट देख सकते हैं, BEFI के द्वारा इशू जारी किया गया ये सर्कुलर है और इसका जो सब्जेक्ट है वो है टुडे जनरल स्ट्राइक ऑन 28th 29th मार्च 2022। दिस सर्कुलर इज रिगार्डिंग द कॉल ऑफ जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियंस एंड इंडिपेंडेंट सेक्टोरल फेडरेशन फॉर टू डेज कंट्री वाइड जनरल स्ट्राइक ऑन 28th and 29th मार्च 2022। स्ट्राइक नोटिस इज ऑलरेडी सर्व्ड ऑन 7th इंस्टेंट ऑन बिहाफ ऑफ BEFI, यानी कि नोटिस जो देना है स्ट्राइक का वो ऑलरेडी दिया जा चुका है और 28 और 29 मार्च 2022 को स्ट्राइक की जानी है। स्ट्राइक नोटिस हैज बीन सर्व्ड ऑन द फॉलोइंग डिमांड्स रिलेटेड विद द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी डिमांड है बैंकिंग इंडस्ट्री की जिसके ऊपर ये दो दिन की स्ट्राइक की घोषणा की गई है। आप देख सकते हैं ये 9 डिमांड है जिनके ऊपर यूनियन लड़ना चाहती है और उसने स्ट्राइक की घोषणा की है। तो अब आपको बताते हैं ये 9 डिमांड कौन कौन सी हैं। पहली डिमांड है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए, यानी कि नो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नेक्स्ट डिमांड इज स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मजबूती प्रदान की जाए। स्टॉप हेयर कट एंड रिकवर बैड लॉन्स, जो हेयर कट आजकल दिया जा रहा है बड़े बड़े कारपोरेट्स को, जिसकी वजह से बैंक को बहुत बड़े बड़े लॉसेज हो रहे हैं, उस हेयर कट को ख़त्म कर दिया जाए और जो भी बैड लॉन्स यानी कि NPA हैं उसकी रिकवरी किया जाए। टेक स्ट्रिंजेंट मेजर्स अगेंस्ट विलफुल डिफॉल्टर्स, जो जानबूझ के पैसा नहीं चुका रहे हैं उनके पास पैसा है इसके बावजूद भी बैंक के पैसे को मारे हुए हैं और रिटर्न नहीं कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट कड़े से कड़े एक्शन लिया जाए। विलफुल डिफॉल्टर जितने भी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। नेक्स्ट डिमांड इज हॉल्ट अटैक्स ऑन द कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर फालतू का अटैक ना किया जाए। रेगुलराइज कॉन्ट्रेक्चुअल कैजुअल वर्कर्स एंड BCs, जो BC जो काम कर रहे हैं यानी कि बिजनेस करस्पोंडेंट और बहुत सारे कैजुअल वर्कर्स हैं जो बहुत ही कम पैसे में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को रेगुलर किया जाए यानी कि परमानेंट कर दिया जाए। स्टॉप आउट सोर्सिंग एंड मेक एडिक्वेट रिक्रूटमेंट, आप सभी को पता है कि बैंकों के अंदर स्टाफ की कमी है, तो यहाँ पर यूनियन की डिमांड है कि रिक्रूटमेंट किया जाए जिससे कि स्टाफ सफिशियंट हो, और जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आउट सोर्सिंग कर दिया गया है जिसके कि बैंक की सर्विसेज भी खराब हो रही हैं, बैंक का पैसा भी बर्बाद हो रहा है, उसको स्टॉप किया जाए। अगला है स्क्रैप NPS, यानी कि जो नेशनल पेंशन स्कीम है जो कि लागू की गई है, आजकल पेंशनर्स को जो पुरानी पेंशन है वो खत्म हो चुकी है, उस स्क्रैप NPS एंड रीइंट्रोड्यूस द ओल्ड पेंशन स्कीम। तो जो भी पेंशनर्स हैं जो NPS के अंतर्गत अभी कवर हैं उनको भी पुरानी पेंशन स्कीम में आने का एक मौका दिया जाए और सभी पेंशनर्स के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, जैसा कि सभी को पता है कि डिपॉजिट्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही डाउन हो गए हैं, जबकि यहाँ तक कि पोजीशन ये है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होता जा रहा है और डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग उतने ही या उससे कम होते जा रहे हैं। ऐसे में कि स्पेशली जो जिनका डिपेंड है, फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन्स या रिटायरीज, उनकी लाइफ में जो पैसा आना होता है वो इंटरेस्ट से ही आता है, जिससे कि उनको बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। इसको देखते हुए यूनियन की डिमांड है कि डिपॉजिट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़े से बढ़ा दिए जाएँ। और लास्ट डिमांड जो यूनियन की है वो है रिड्यूस सर्विस चार्जेज ऑन रिटेल कस्टमर, रिटेल कस्टमर्स यानी कि छोटे कस्टमर्स के लिए जो भी चार्जेज है सर्विस चार्जेज उनको के कम कर दिया जाए, भले ही कॉर्पोरेट कस्टमर्स पर जितना चार्जेज है वो लगा लें। तो ये सारी डिमांड हैं जिनको लेकर के यूनियन ने दो दिन की स्ट्राइक की घोषणा की है। बैंक और बैंकिंग से जुड़े रहने के लिए अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा, आपके खुद के चैनल का नाम चकदेवेद नॉलेज। थैंक यू।